5 साल तक के लिए लीमू कैसे सेव कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए, इसको मैं फ्रिज में पहले लीमू लाई थी तो फ्रिज में रख दी हूँ, अब वो एकदम कड़क हो गया है। देखिए देखिए, ये लीमू को जब सस्ता था मैं ख़रीदी थी, अभी ये पूरा बर्फ़ इसके अंदर तैयार हो गया है। देखिए कैसा बर्फ़ उबल रहा है, पत्थर की शक्ल में हो गया है ना। अब इसको ये अब हम इसको ओवन में रखेंगे और ये इससे कड़क है, अब इसको ओवन में रखेंगे 3 सेकंड के लिए। अभी मैं इस नींबू को 3 सेकंड के लिए ओवन में रख रही हूँ और ये आपको अभी तक किसी ने ये ट्रिक बताई नहीं होगी और आप ये करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब इस लीमू की शक्ल देखिए, देखिए कैसे मुलायम हो गया है, कितना मुलायम हो गया, ऐसा लगता है अभी अभी फ्रेश आया है मार्केट से। अब हम इसको आपको काट के बताते हैं। कितनी आसानी से ये लीमू देखिए, जैसे अभी अभी बाज़ार से आया हो। हाँ, ये एक तरीका हो गया। ये पूरा इसमें विटामिन सी कंप्लीट है क्योंकि ये नेचुरल जो है ना बंद था, तो अब हम इसको ऐसे कर लिए। अब इसके अंदर देखिए आवाज़ भी नहीं है, मुलायम हो गया। देखिए देखिए, और एक दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है, आपको मछली धोना है या गोल धोना है तो आपको कैसे आप रखेंगे उसको। अब हमने नींबू के रस को एक बॉटल में भर लिया है और जो बर्फ़ जमाने वाला रहता है क्यूब, उसके अंदर हमने नींबू के रस को भर दिया है, लेकिन ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होता।